मंडल मुख्यालयों पर महिला साइबर क्राइम सेल तथा महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित की तथा सभी थानों में महिला सुरक्षा समिति का गठन किया। साथ ही स्वामित्व अभिलेख योजना घरौनी में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार मिला। प्रत्येक जनपद में महिलाओं को बैंकिंग सखी योजना से जोड़कर महिला उद्यमिता को नई दिशा दी। कितनी होशियार हो गए हैं हमारे घर में, जैसे सरस्वती और लक्ष्मी है। जब से एक ने बैंकिंग सखी और वो दूसरी ने क्या कहते हैं स्वयं सहायता समूह है ना, उसने मेरी का जब काम शुरू किया है ना, घर में बरकत आ गई। पहले समय और था, अब तो गांव की बहू बेटियों की भी बात ही अलग है। मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के दौरान प्रदेश में पहली बार महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की। हेल्थ क्लब, मिशन शक्ति कक्षों व 1286 खानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। साथ ही 18 मंडलों में सेफ सिटी परियोजना शुरू की और महिला बटालियनों के लिए 2982 पदों पर विशेष भर्ती की। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में महिला उप निरीक्षकों की तैनाती की एवं महिला महाविद्यालयों तथा सह शिक्षा महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब की स्थापना की। यह मिशन शक्ति अभियान का ही परिणाम है कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था से सुखद माहौल तैयार हुआ है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज महिलाएं खेल कूद, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सेना, वाहन चालक, पायलट जैसे क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं, जो पहले पुरुष प्रधान माने जाते थे। महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि से यह सिद्ध होता है कि सरकारी योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन में जनता का विश्वास बढ़ा है एवं महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हुआ है। सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है समाज के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करने के इच्छुक हैं। आपसे निवेदन है कि अपना नाम सुनकर मंच पर शीघ्रता से पधारे। सर्वप्रथम श्री हर गोविंद कुशवाहा जी, दर्जा प्राप्त मंत्री। श्री सुरेंद्र सिंह जी, संपादक दैनिक जागरण। श्रीमती कंचन आहूजा, समाज सेवी। श्री उदय राजपूत, अध्यक्ष बार एसोसिएशन। श्री अखिलेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष पेट्रोलियम एसोसिएशन। डॉक्टर कुबेर नाथ मिश्र, चिकित्सक। श्री संजय पटवारी जी, व्यापारी नेता। श्री अशोक जैन, व्यापारी नेता। और श्री ध्यानचंद जी, वरिष्ठ समाज सेवी। आप सभी अपनी तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचा सकते हैं। जोरदार तालियां। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर और उनका सम्मान करते हमारे नगर के कुछ प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तित्व हैं और आपका सम्मान मंच पर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसके बाद मैं संबोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ माननीय सांसद झांसी ललितपुर माननीय श्री अनुराग शर्मा जी से निवेदन करूंगी। दिल्लियों की उतनी कम आवाज, भारत माता की। सौभाग्य मेरा कि आज वीरांगना विक्रांगण में हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आप सब की ओर से मैं मुझको स्वागत करने का ये मौका मिला है।
आदरणीय महाराज जी आपको पूरी झांसी की जनता की ओर से प्रणाम। हमारे सभापति माननीय कुमार मानवेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश द्विवेदी जी, केंद्र में राज्यमंत्री और लोकप्रिय सांसद भानु प्रताप वर्मा जी, यहाँ पे झांसी सदर के विधायक श्री रवि शर्मा जी, रवीना विधायक श्री राजीव सिंह बारीचा जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, झांसी के यशस्वी और लोकप्रिय महापौर श्री राम तीर्थ सिंघल जी, मेरे अनुज पवन गौतम जी, सम्मानित मंच, विशेष रूप से क्योंकि आज प्रबुद्ध सम्मेलन है, मैं मुख्यमंत्री जी को पूरे बुंदेलखंड के वासियों की ओर से धन्यवाद देना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की दिशाएं निकल दी, आपके बुंदेलखंड वासियों का जीवन बदलने में हमारी बहुत बहुत सहायता है। आज पहली बार बुंदेलखंड में अगर आशा की किरण जगी है तो आपकी सरकार की वजह से जगी हो। आज बुंदेलखंड में जो हमेशा पानी के तरस रहा, 44,000 करोड़ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केन बेतवा रिवर लिंक का जो प्रोजेक्ट दिया है, इससे बुंदेलखंड में प्यास ही नहीं बुझेगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी। प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा दिया और ये मंत्र आपने पूरे उत्तर प्रदेश में उतारा। उत्तर प्रदेश जिसके बाद पहले आपके आने से पहले हर बार जब बाहर जाते थे तो खाली दो ही चीजें सुनने को मिलती थी प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे तो कभी अर्थव्यवस्था सुधर ही नहीं सकती, ये बीमारू स्टेट है, हमेशा ही बीमार पड़ा रहेगा और यहाँ पे सिर्फ गुंडों का राज रहेगा। तो सपा सरकार ने, भाजपा सरकार ने, कांग्रेस सरकारों ने जिस प्रदेश को लाके रख दिया था, आज हम सब प्रदेशवासियों को विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोगों को बहुत गर्व होता है कि आज हम देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। आज हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो जेवर में बन रहा है, कुछ ही दिनों में वो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्टों में माना जाएगा। आपने विशेष रूप से हमारे वहां महिलाओं के लिए जितना किया कि आज बुंदेलखंड की महिलाओं में, मेरी दीदियों में, मेरी बहनों में पहली बार एक आशा की किरण जागी। पहली बार हम देखते हैं ओडीओपी में एलएनआर की तरह के माध्यम से, बलिनी के माध्यम से आज महिलाएं सशक्तिकरण हो रही हैं और आज महिला घर से बाहर निकल के कामों में जुड़ रही है। आपका ऐसे ही अगर बुंदेलखंड पे आशीर्वाद बना रहे तो बुंदेलखंड की भी बिल्कुल अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। बुंदेलखंड को जो आपने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है उसकी वजह से भी अब हमको यहाँ पे निवेश होता नजर आ रहा है। मुझे बहुत खुशी इस बात की भी है कि आपने विशेष रूप से आयुर्वेद जगत के लोगों को बहुत सम्मान दिया और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी बनाई है, उससे यहाँ के चिकित्सकों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभ होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसके दोनों ही तरफ मतलब 600 किलोमीटर लंबा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से औषधि पेड़ों का रोपण हो रहा है। आज औषधि पेड़ लगेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नाम से नहीं जाना जाएगा, वो एक आयुर्वेदा एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाएगा। आपने हमारी चिकित्सा के लिए, आपने हमारे लोगों के लिए